खतरनाक बाउंसर चोटिल हुए रविंद्र जडेजा। टी20 मुकाबले से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की लाज बचाने वाले रविंद्र जडेजा गंभीर रूप से घायल हो गए। बल्लेबाज के दौरान आखिरी ओवर में जडेजा के सिर पर मिशेल स्टॉक की एक जोरदार बाउंसर लगी, जिसके बाद वे मैच से बाहर हो गए। उनकी जगह मैच में यजुवेंद्र चहल को बतौर कनेक्शन खिलाड़ी शामिल किया गया। जडेजा की चोट इतनी गंभीर थी, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मैच से बाहर होने पर टीम के खिलाड़ी चिंता में हैं। मैच के दौरान जडेजा ने धमाकेदार पारी खेलते हुए टीम को 161 रन के स्कोर तक पहुंचाया था। ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू होने से पहले इस बात की जानकारी दी गई कि यजुवेंद्र चहल के इस मैच में जडेजा जगह सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खेलेंगे। चहल को जडेजा की जगह टीम में शामिल किए जाने पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपत्ति जताई गई। बाउंड्री पर ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर और कप्तान मैच रेफरी के साथ इस बात को लेकर बहस करते नजर आए। दोनों का मानना था कि चोट लगने के बाद भी जडेजा ने पारी खत्म की और उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे असहज हैं। भारतीय पारी लड़खड़ाने के बाद रविंद्र जडेजा ने एक ऐसी बेमिसाल पारी खेली जिससे भारत को मैच में वापस ला दिया। जडेजा ने महज तेज गेंदों पर 44 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जमाया। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।